जब देश युद्ध से घिरा हो तो शासकों के परिवारों को बड़ा संभल कर चलना होता है, लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं हो रहा है। पहले हथियारों में भ्रष्टाचार के आरोप और अब यह खबर है कि राष्ट्रपति की पत्नी ने करोड़ों के गहने खरीदे हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर पहले ही नेटो और अमेरिका नाराज हैं। रक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार के चलते सहयोगी देशों ने हथियार देने से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। ऐसे खराब माहौल में राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना का यह बर्ताव उनकी छवि खराब करने वाला कदम माना जा रहा है। यूक्रेन के जवान युद्ध में खून बहा रहे हैं, यूक्रेन के सहयोगी देश युद्ध में डॉलर बहा रहे हैं। रोज हथियार और यूक्रेनी सेना के जवान कम हो रहे हैं, हथियारों की सख्त जरूरत है, एक एक डॉलर की बहुत बड़ी कीमत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रोज शाम को जवानों का जोश बढ़ाने वाला भाषण जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ऐसे गंभीर समय में अपने शौक पूरे कर रही हैं। ओलेना ज़ेलेंस्का के बारे में खबर है कि उन्होंने करोड़ों रुपए गहने खरीदने में खर्च कर दिए। उन्नीस सितंबर को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का के साथ न्यूयॉर्क गए थे। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से यूक्रेन के संघर्ष के लिए समर्थन मांगा, लेकिन इसी दौरे पर ओलेना का आभूषण प्रेम उमड़ पड़ा। न्यूयॉर्क में यूक्रेन की प्रथम महिला ने गहने खरीदे। एक सुपर लग्जरी ब्रांड के शोरूम से ओलेना ने गहने खरीदे। गहनों पर कुल 9 करोड़ 16 लाख रुपए ओलेना ने खर्च कर दिए। खबर में ऐसा दावा नहीं है कि ओलेना ने भ्रष्टाचार के पैसे से गहने खरीदे हो, लेकिन युद्ध लड़ रहे देश की प्रथम महिला ने इतने रुपए के गहने खरीद लिए जितने रुपए से यूक्रेनी सेना को कुछ घंटे का गोला बारूद दिया जा सकता था। यूक्रेन पर पहले ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। यूक्रेन सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार से सहयोगी देश भी नाराज हैं, क्योंकि सहयोगी देश अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर रूस को हराने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पास भी हथियार नहीं बचे। सितंबर में वॉर्सो सिक्योरिटी फोरम समिट हुई, जिसमें नेटो सैन्य समिति के चेयरमैन एडमिरल रॉब बोअर ने भाषण दिया। वॉर ने कहा कि यूरोपीय देशों को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। कई यूरोपीय देशों ने कहा कि हम रक्षा बजट बढ़ा चुके हैं, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने में समय लगेगा। ब्रिटेन ने बैठक में कहा कि नेटो के हथियार घट चुके हैं। इससे पहले यूरोप के कई देश यूक्रेन में भारी भ्रष्टाचार से तंग आकर मदद देने से पीछे हटने लगे। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को हथियार देने से साफ इंकार कर दिया है। यूरोप के कई देशों में यूक्रेन को हथियार सप्लाई के खिलाफ आवाज उठने लगी है। 4 अक्टूबर को ही सूमी के गवर्नर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कंट्रीज स्टडी नाम की एक रिपोर्ट तैयार की। 22 पेज की इस रिपोर्ट में भविष्य की योजनाएं लिखी गईं। इसके साथ ही एक शीर्षक बनाया गया, यूक्रेन में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार। इस शीर्षक के नीचे लिखा गया है, यूक्रेन में भ्रष्टाचार अमेरिकी मिशन के लिए घातक है। भ्रष्टाचार के चलते यूरोपीय देश मदद देने से पीछे हट सकते हैं। कई यूरोपीय देश इस बारे में पहले से जानते थे। अब उनके सामने सवाल ये है कि जब यूक्रेनी नेता अपनी जेब भरने में लगे हो तो यूक्रेन को हथियार देकर अपनी सुरक्षा खतरे में क्यों डाली जाए। यूक्रेन भी इन हालात को भांप चुका है और अब स्वदेशी हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन अब यूरोप में हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ
करार कर रहा है। यूक्रेन ने जर्मनी और ब्रिटेन की कंपनियों के साथ करार करके होविट्ज़र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन के दामन पर संकट काल में भ्रष्टाचार करके जेब भरने का दाग लग चुका है और देर सवेर इसका खामियाजा उसे जंग में भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।